नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, प्रणाम। मेरा एक न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अब 3-4 दिन से वीडियो डाल नहीं पाए क्योंकि मेरा मोबाइल का जो चार्जर पिन है ना, जहाँ पर चार्ज लेता है, वो बड़ा खराब हो जाता है। एक बार लगवाए, कैसे वो लगा दिया, आपसे दोबारा खराब हो गया। इसलिए बनाने के लिए दिए तो खोल खाल दिया, उसके बाद बोला कि अभी होगा नहीं, मतलब आज नहीं होगा, कल होगा। लोड गाड़ी था, रास्ता में थे हम, तो इसलिए उसको दे के आज चले गए, खटाड़ी में दे के आज चले गए। अब वहाँ जैसे सिंधरी गए थाली करने के लिए धनबाद में वो चार गाड़ी था, तो पहले दिन 2 गाड़ी खाली हुआ, उसके बाद दूसरा दिन में मेरा गाड़ी खाली हुआ। कल शाम को पहुँचे थे, कल शाम को तो मोबाइल ले नहीं पाए, आज लिए, फोन करके खुलवाए 8 बजे, तो घर से फोन करके बुलाए, उसका मोबाइल दिया है। और आप ये दोस्तों, बड़े दिन बाद पुरुलिया में मानसून आया है। मानसून ऐसे किया है कि हल्का हल्का बारिश हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। सोच रहे हैं बोलबम यहीं आना है, यहाँ बहुत बोलबम का टाइम बहुत भीड़ होता है सावन में, और सावन में यहीं आएंगे सोच रहे हैं, यहाँ बहुत भीड़ होता है। देखिए इसी मंदिर है, गड़ादा मंदिर, इस साल यहीं आने का सोच रहे हैं। देखिए अगर भोलेनाथ चाहेगा तो आएंगे, और पानी लेके आना पड़ता वहां से। दोस्तों, बल्लापुर में पूरा रेलवे फटक में जाम है, यहाँ नया ब्रिज एक बन रहा है, और ब्रिज के चक्कर में बहुत लंबा जाम लगा है। बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का, एकदम जैसे मक्खी उड़ रहा है इसे। जाम में है, बारिश छोड़ नहीं रहा है, अब बारिश जम तो हो नहीं रहा है, और फुटबॉल भी वैसे गाड़ी का ऊपर में डाला हुआ है, फुटबॉल कहीं कपड़ा वाला भीग जाएगा तो दिक्कत है। देखते हैं, आज तो धूप देगा नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है पता तो चल रहा है कि धूप ही नहीं है। ये देखिए जाम लगा हुआ है, लोडिंग में आ गए हैं, और पता भी चल गया है पाटलिपुत्र का लोड होगा पटना, और कब लोड होगा देखिए, अभी तो लगा दिए हैं, और खाना भी पार्सल लाए, अब खाना खाते हैं क्या लाए देखते हैं, और खाना खाने के बाद वो लोडिंग वोडिंग जैसे बोलेगा, नहीं तो गाड़ी में बैठे रहेंगे, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। तिरपाल जो डाला में था उसको भी सरिया लिए, तीनों तिरपाल सरिया लिए हैं, अभी हाथ धो के खाना खाते हैं, उसके बाद जब बोलेगा लोडिंग हो करने के लिए तब लोडिंग किया जाएगा। और दोस्तों, मौसम जो कि पूरा मौसम अंधेरा करके रखा है, कब बारिश आएगा कोई ठिकाना नहीं है। और ये देखिए हाई टेंशन तार है, उसका नीचे गाड़ी खड़ा है, क्योंकि हम लोग का पुल पानी का ऊपर से गया हुआ है। दोस्तों, खाना आ गया हम लोग का पार्सल, तो मछली है, अचार है, आलू का सब्जी है, और दाल भी है। चलिए खाना खाते हैं।
अचार और सलाद, चलते हैं खाना खाने के लिए। किया जाए दोस्तों, लोड हो गया है, अनलोड हुआ है फरक्का का। पटना का जो तो लोड था वो कैंसिल हो गया है और फरक्का दिया है। ये गाड़ी मेरा देखिए बांध उनके रस्सी चुतल बांध के रेडी हो गए हैं खलासी के चलान पता करने के लिए। अब चलान जैसे आ जाएगा तो फरक्का के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों अभी निकलेंगे, चलान जैसे ही होगा और उसके बाद जैसे होगा बताएंगे खाना में जहाँ खाएंगे, कहाँ तक चलते हैं, कहाँ तक चल पाएंगे देखेंगे। दोस्तों एक बज गया, खाना वाना खा लिए, होटल में लाइन वाइन नहीं है, खाना वाना खा लिए हैं, अब यहीं सोएंगे क्योंकि पानी भी हो रहा है और एक डेढ़ बज गया तो अब जाना भी, रोड भी सन्नाटा हो गया है, चलते हैं सोने के लिए। तब तक की गुड नाइट। देखिए दोस्तों सुबह हो गया है, हम रुके हैं, टायर वायर देख लेते हैं। और देखिए ड्राइवर लोग चाय पी रहे हैं, कंपनी के तीनों ड्राइवर हैं, चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों इस तरह कल रात को ज़्यादा रात तक जगे हुए थे, खाना खा के 2 बजे तो खाना वाना खा के फिर सो गए हैं। 5 बजे चले तो जाम था वहाँ, पिक्की गेट में जाम था, इसलिए लेट हो गया है और वो लोग भी काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इसमें वीडियो एड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।